संसद में सौम्य दिखने वाली नवनीत राणा ने थाने में दिखाया रौद्र रूप। लव जिहाद को लेकर थाने में भिड़ गई नवनीत राणा, बोली मेरा फोन क्यों रिकॉर्ड किया। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का महाराष्ट्र के राजापेट पुलिस स्टेशन में रौद्र रूप दिखाई दिया। लव जिहाद के एक मामले को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के साथ बहस शुरू हो गई। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक नवनीत राणा पुलिस स्टेशन में एक समुदाय के लड़के द्वारा हिंदू लड़की को भगाए जाने के मुद्दे पर भड़की हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़के ने जबरदस्ती एक हिंदू लड़की को भगाया है और उससे शादी की है। पुलिस को उस लड़के पर और उसके परिवार पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई की मांग को लेकर ही नवनीत राणा पुलिस अधिकारियों के साथ बहस कर रही थी। नवनीत राणा ने कहा कि उनके सवालों का जवाब दिए जाने के बजाय उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरअसल लापता लड़की के माता पिता नवनीत राणा के पास अपनी दरखास्त लेकर पहुंचे थे कि उनकी लड़की गायब है। इसके बाद नवनीत राणा ने थानेदार मनीष ठाकरे को फोन किया और इसकी जानकारी ली। उन्होंने पूछा, जिस लड़के ने लड़की को भगाया है उसे आपने हिरासत में लिया है, उससे कड़ाई से पूछताछ करिए। इस बातचीत के दौरान नवनीत राणा को शक हुआ कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, तो उन्होंने फोन काट दिया और सीधे थाने पहुंच गई। उनके पहुंचते ही थाने में हंगामा हो गया। वो थानेदार से पूछने लगी कि मेरा फोन रिकॉर्ड क्यों किया गया, इसकी परमिशन कहां से मिली। इसी को लेकर लंबी बहस चली। इससे पहले नवनीत राणा हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सुर्खियों में रही थी, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com। Thank you.